अगर खतरनाक है तो मुझे इसकी परवाह नहीं, तू मुझे दूसरा रास्ता बता। तो सुन, बिलाल के जिस्म को आधा पत्थर जिन्हें गुलफाम ने बनाया है, ये तिलिस्म गुलफाम जिन का है और इस तिलिस्म को, इस जादू को सिर्फ गुलफाम ही तोड़ सकता है, या फिर गुलफाम की तिलिस्म अंगूठी। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी? हाँ, गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी, वो अंगूठी तुझे हासिल करनी होगी। ये अंगूठी किसी भी बहाने से, चालाकी और महंगाई से तुम्हें गुलफाम के हाथ से उतारनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल काम है आका। अगर आपने उस बदमाश टीम के हाथ से अंगूठी उतारने की कोशिश की तो गुस्से में नहीं आपकी खान ना उतारते। चुप रह नामुराद, तू अभी से मनहूस बातें कर रहा है। मैं पहले ही खबरदार कर चुका हूँ कि ये काम आसान नहीं, बहुत खतरनाक है, मगर बिलाल को मुकम्मल इंसान बनाने का यही एक रास्ता है। गुलफाम की दिलिस्मी अंगूठी से बिलाल अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। उसके बाद तुम बिलाल के खून का नजराना तिलिस्मी अंडों की राख में डाल देना। मैं ऐसा ही करूंगा आका सामरी। मगर इससे पहले आपको जिन्हें गुलफाम के हाथ से तिलिस्मी अंगूठी उतारनी पड़ेगी आका। सामरी ने चाहा, मैं इस खतरे से भी गुजर जाऊंगा, गुलफाम से तिलिस्मी अंगूठी छीन ले आऊंगा और तू भी मेरे साथ कोई खाफ तक चलेगा। चलेगा ना तेरे परिंदे? हाँ जरूर चलूंगा आका, कोई कहाँ पे आपको मरने के लिए अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। इजाजत दे आका सामरी, मैं चाहता हूँ कोई खाफ की तरफ। जा इमरान, अगर तू अपनी जिद पर अड़ा है तो जा, तू भी जा दिल के परिंदे, अपने आका का ख्याल रखना और उसकी मदद करना। आप फिक्र न करें आका सामरी, मैं साए की तरह अपने आका के साथ रहूंगा। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। जल्दी से हमें खेमे के अंदर ले चलो ना। जल्दी ले चलो चांदपरी। जलाल और बिलाल मेरी वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। इतने बरसों सब्र किया तो थोड़ी देर और सब्र करो, पहले मैं अंदर जाऊंगी, सब खैरियत होगी तो तुम्हें भी अंदर बुला लूंगी। मैं ताली बजाऊं तभी अंदर आना। मगर ये क्या क्यों? इसलिए कि यूँ अचानक तुम्हें देखेंगे तो शायद ये खुशी बर्दाश्त न कर पाए। मैं पहले उन्हें इस खुशखबरी के लिए तैयार तो करूँ। सिर्फ चंद लम्हों का इंतजार और बस ताली की आवाज़ सुनते ही अंदर आ जाना। ठीक है। परी मेरी बहन, तुम आ गई। अल्लाह की बात, अब तुम ही हम मजबूरों का सहारा बन गई हो। तुम्हें देखकर दिल खुश होगा चांद परी।
हाँ चांदपरी, मुझे तो यूं लगा जैसे मेरे आधे बेजान जिस्म में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई हो। जलाल और बिलाल, मैं तुम दोनों के लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी तो सुनाओ ना वो खुशखबरी। हमारे काम तो वैसे ही किसी खुशखबरी को सुनने को बेताब है। ये खुशखबरी सुनने से ज्यादा देखने की है। क्या कह रही हो तुम चांदपरी? साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। मैं तुम दोनों को दो खास मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ। खास मेहमान जिन्हें देखकर तुम भी खुश होगी और तुम्हें देखकर वो दोनों मेहमान भी बहुत खुश होंगे। अब बच्चों तुम जलाली हो ना? मैं आपका जलाली हूँ। कितने बड़े हो गए हो। जला अपनी माँ से नहीं मिलोगे? हाँ। क्या अभी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चांदपरी ने हमें सब बता दिया था। मुझे और बिलाल को आपसे कोई शिकायत नहीं है अम्मी, कोई शिकायत नहीं है अम्मी। आओ अम्मी, बिलाल से भी मिल लो, बेचारा बीमार पड़ा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं, बस दो दिन से बुखार है। आओ उससे भी मिल लो। अब्बा जान, अब्बा जान। बिलाल, मेरे नूर चश्म, अम्मी, अम्मी, बिलाल, मेरे बेटे, अम्मी, बिलाल, बिलाल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा। कुछ मत कहिए अम्मी जान, बस बेटा कह के सिर पर हाथ रख दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे अम्मी। हाँ बेटा, हाँ। सबको मिलाने का वादा किया था, सो वो वादा आज पूरा कर दिया, मगर अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मुझे ही नहीं, आपको भी लौटना है फारान के महल में। मगर क्यों? ये चारों जिन गुलफाम के पीछे कोहे काफ रवाना होने वाले हैं। हाँ। इसलिए मैं जाने से पहले आपको और जमीला को फारान ले जाना चाहती हूँ। बस आप दोनों जलाल और बिलाल के साथ सुबह तक रह सकते हैं। सुबह मैं आकर कासिम और जमीला को फारान ले जाऊंगी।
कोहे गांव से इनके लौटने तक आप दोनों को वहीं इंतजार करना होगा। ये मुलाकात तो बहुत छोटी हुई, चलो प्यासे के मुंह में एक शबनम की बूंद भी गिर जाए तो बहुत है। अच्छा तो कल सुबह तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शब खैर। ये कोहे काफ है भोले परिंदे, कोहे काफ। यहाँ कई बड़े राज पर्दे में छिपे हुए हैं। यहाँ हमसे बड़े बड़े जादूगर पड़े हैं। ये जिनों और परियों की बस्ती है।